नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सितंबर 2021 में जो आपके पेपर प्रस्तावित हैं उसका पहला पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, उसका आज हम देखेंगे पूरा कोर्स एक वीडियो में। इसे आप महामैराथन भी कह सकते हैं। इससे पहले हमने जो सामाजिक अध्ययन का विषय है उसका पूरा कोर्स एक वीडियो में देखा था। यदि आपने नहीं देखा हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बात करें अगर स्कीम की तो 27 से 29 तक पेपर है और कल आपका पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा और गणित, तो इसीलिए इसका हम महामैराथन वीडियो देख रहे हैं। और आज ही हम आपको जो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन है उसका वीडियो भी जो है वो प्रोवाइड करा देंगे। तो ये वीडियो आपको एक क्विक रिविजन करना है तो सारी चीज़ें जो है आपकी हो जाएंगी। सिलेबस में बात करें तो ये सारी चीज़ें हैं, पठन लेखन, उद्देश्य, उपयोगिता, वर्ण, स्वर, व्यंजन। ये जो आप SCERT की PDF देख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट है। और ये जो सिलेबस है अगर आपको SCERT PDF के अकॉर्डिंग देखना है तो वो भी हम आपको एक वीडियो में पहले करा चुके हैं। अगर वो देखना है तो उसके लिंक भी हम आपको साइड में बटन में वीडियो में लिंक दे देंगे। एक वीडियो में पूरा कोर्स SCERT PDF जो आपका एक्चुअल कोर्स है, कोर्स उसके जो टॉपिक हैं सीरियल वाइज वो भी आप उसमें देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पहले जो सारी चीज़ें हैं उनको एक शॉर्ट नोट के आधार पर बेसिक तरीके से जान लेंगे और उसके बाद जो प्रश्न आपके अति लघु लघु हैं वो जितने भी पूरे कोर्स में उन सभी को हम देख लेंगे, तो आपका ये पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और लास्ट में सबसे दो प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। देखते हैं तो उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चार में होता है। शब्दों का वर्गीकरण अलग अलग के आधार पर होता है, उसमें उत्पत्ति स्रोत के आधार पर ये हो जाएगा। रचना के आधार पर बात करें तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो जाएगा। रूप प्रयोग के आधार पर यदि बात करें तो विकारी अविकारी शब्द हो जाएंगे। अविकारी शब्द कह सकते हैं जिनमें आप लिंग वचन इनके किसी के भी कारण जो है कोई विकार जो है ना हो, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा अविकारी शब्द। जैसे कि यहां पर एग्जांपल आज जो है मैंने लिख रखा है, ये अविकारी शब्द का उदाहरण है। विकारी की बात करें जिनमें उत्पन्न हो जाए, जैसे कि लड़का पढ़ रहा है और जब आप लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की पढ़ रही है, तो आपने देखा कि लिंग के कारण इसमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस टाइप के जो आपके शब्द होते हैं वो विकारी होते हैं। इन सभी के बारे में आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि आप सभी सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं। मैं यहां पर एक क्विक रिविजन के तौर पर सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट केवल मैं आपको बताऊंगा। अर्थ के आधार पर बात करें तो एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम, ये जो है वो प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अभी हमने किसके भेद देखे, शब्द के भेद, अब हैं हमारे वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद आपके 8 होते हैं अर्थ के आधार पर बताएं तो पहला है आपका विधानवाचक जिसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है निषेधवाचक जिसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस, फिर है आपका आज्ञावाचक जिसे हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, फिर है आपका प्रश्नवाचक जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, फिर है आपका इच्छावाचक जिसे हम कहते हैं इलेटिव, फिर है आपका संदेहवाचक जिसे हम कहते हैं सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट, और आपका अगला है विस्मयवाचक जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट है आपका संकेतवाचक जिसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो ये जो है आपके 8 प्रकार होते हैं वाक्यों को यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए, और इनके बारे में किसी के बारे में भी आपको पढ़ना है तो आप पॉज करके जो है वीडियो को पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अब यदि रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपसे पूछ लिए जाएँ तब कौन से होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी हेल्प करेंगी, यूपी टेट में भी हेल्प करेंगी और आपका आरंभिक स्तर वाला जो पेपर है उसमें भी हेल्प करेंगी, तो इनको पढ़ अवश्य लीजिएगा, हर जगह आपका हेल्प करेंगी। तो रचना के आधार पर आपका होता है सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिनको कहते हैं, दूसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य। तो ये 3 प्रकार होते हैं आपके यदि रचना के आधार पर वाक्यों के भेद आपसे पूछे जाएं। किसी के बारे में भी आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं चलिए आगे। अब बात करते हैं लोक कथा और कहानी। लोक कथा और कहानी में अंतर पूछ लिया था काफ़ी बार, तो एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, लोक कथा सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं और कहानी जो है वो काल्पनिक जो घटनाएं होती हैं उन पर आधारित होते हैं। अगर दोनों में से किसी की भी विशेषता पूछ ली जाए तो आप लिख लीजिएगा ज्ञान की वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है और छात्रों में रुचि भी जो है वो बनी रहती है। तो इस टाइप के पॉइंट आपको हेल्प करते हैं।
इसके बारे में लिखने के लिए। बात करते हैं चलिए अब आगे गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य में कह सकते हैं विराम इत्यादि जो नियम है उनका पालन जो है वो किया जाता है, जबकि जो पद्य होते हैं उनमें नहीं किया जाता है। मैं कम ही अंतर बताऊंगा, बस आप 3-4 ही याद रखिए वो काफ़ी होगा। गद्य में लय का उपयोग जो है वो नहीं होता है, पद्य में गति और लय की विशेष भूमिका होती है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, पद्य जो है ये आपकी पोएम होती हैं, गद्य जो है आपके लेसन टाइप के होते हैं, तो उनके आधार पर आप ये जो अंतर है वो समझ सकते हैं। अगला है गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता है, जबकि पद्य की रचना छंदबद्ध एवं छंद युक्त होती है। बात करते हैं चलिए आगे, अब बात करते हैं द्रुत पाठ क्या होता है। तो द्रुत पाठ को हम कहते हैं शीघ्रता से पढ़ने को। सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य यदि आपसे पूछ ले जाए तो व्याकरण का ज्ञान होता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, मुहावरे लोकोक्ति सूक्तियों इन सभी का ज्ञान भी होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। ये सभी पॉइंट ध्यान रखिए, अदर जो क्वेश्चन है उनमें भी आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। इन दोनों में अगर बारे में पूछा जाए तो मौखिक अभिव्यक्ति आप कह सकते हैं बोलकर अपने जो भाव है उनको प्रकट करना, लिखित अभिव्यक्ति में लिखकर। तो इतनी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अब देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में कौन कौन से साधन आते हैं, वार्तालाप, कविता पाठ, भाषण, चर्चा, परिचर्चा, ये सभी। लिखित अभिव्यक्ति में पत्र लेखन, नाटक लेखन, कहानी लेखन, आत्मकथा, ये सभी जो है आपके आ जाएंगे। बात करते हैं चलिए आगे, अब लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी यदि आपसे पूछी जाए तो 12 इंच या सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर जो है वो होती है। 10 से 12 एक एवरेज माना गया, जिसमें आप 12 इंच जो है वो मान सकते हैं। इसी प्रकार 25 से 30 सेंटीमीटर जो है वो माना गया है। पढ़ते समय बात करें तो पुस्तक को 45 डिग्री कोण पर जो है वो पकड़ना चाहिए। अब कुछ ये अलग अलग व्यंजन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए तो यारा लावा होता है, ऊष्म या संघर्षी की बात करें तो श श सा हा होता है, उत्क्षिप्त की बात करें तो डा और ढा होता है, इसी प्रकार लुंठित की बात करें तो रा होता है, और इसी प्रकार पार्श्विक की बात करें तो ला होता है। चलिए बात करते हैं आगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे, अभी और वर्ण हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद। तो 5 होते हैं व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सर्वनाम जानते हैं आप, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, यह, वह, ये सभी जो है आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद आपसे पूछ ले जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। विशेषण की अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे आपके विशेषण कहलाते हैं, और इनके 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक विशेषण। बात करते हैं चलिए आगे, अब थोड़ा सा वाचन के बारे में। तो वाचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक सस्वर वाचन और एक मौन वाचन। सस्वर वाचन के प्रकार की बात करें तो आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। अब सस्वर वाचन में आप जो पहला देख रहे हैं आदर्श वाचन, इसको आप देखेंगे तो शिक्षक द्वारा और छात्र द्वारा होता है, और इसके प्रकार के अंतर्गत आप देखेंगे तो व्यक्तिगत वाचन और आपका समवेत वाचन होता है। समवेत वाचन को ही हम सामूहिक वाचन भी कहते हैं। इसके अलावा इधर मौन वाचन की तरफ बढ़ते हैं तो ये द्रुत वाचन और गंभीर वाचन होता है, और इसके अंतर्गत बात करें अगर पॉइंट आपसे लिखने को आ जाए द्रुत वाचन के बारे में तो सीखी भाषा का अभ्यास, ये आप इसके उद्देश्य लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हैं तो उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। इसके अलावा अवकाश का सदुपयोग भी जो है आपका द्रुतवाचन से हो जाता है। गंभीर वाचन यदि आपसे पूछा जाए तो भाषा पर अधिकार, विषय पर अधिकार, ये दोनों ही आप पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट हो गए आपके वाचन के। अब देखिए सस्वर वाचन और मौन वाचन, इन दोनों में डिफरेंस भी आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं 5, इनको आप एकदम याद रखिएगा। कैसे, आप सस्वर वाचन की बात करें तो उसमें बोलकर होता है, और जो वाचन है वो आपका बोलकर होता है, और जो मौन वाचन है उसमें चुपचाप होता है। सस्वर में जो है कक्षा का वातावरण स्वरमय हो जाता है, जबकि जो मौन है उसमें कक्षा का वातावरण शांतिमय हो जाता है। आगे बात करें तो उच्चारण जो है इसमें शुद्धि के लिए होता है जो सस्वर वाचन होता है, और ये जो आपका मौन वाचन होता है वो विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए होता है। मैं यहाँ पर चीज़ें समझा नहीं रहा हूँ, केवल और केवल पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए जैसे विषय वस्तु ग्रहण, हम कोई चीज़ मन में पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जो विषय वस्तु है वो हम उसको अंतर अपने ग्रहण कर लेते हैं, तो विषय वस्तु ग्रहण करने के लिए जो मेन पर्पस होता है मौन वाचन का वो होता है। जबकि आप बोल बोलकर यानी कि सस्वर वाचन में देखते हैं तो वहां पर उच्चारण शुद्धि की दृष्टि से होता है। आगे बात करें तो सस्वर वाचन छोटी कक्षाओं के लिए विशेषकर होता है, जबकि जो मौन वाचन है वो उच्च कक्षाओं के लिए होता है। और इसके अलावा पद्य और गद्य का अंतर हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो सस्वर वाचन है वो मुख्यतः पद्य में यानी कि पोएम वगैरह जो होती है उनमें यूज होता है, जबकि जो आपका
मौन वाचन है वो आपका गद्य, यानी जो बहुत बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, जैसे कि आपका एस्से वगैरह टाइप के हैं, निबंध टाइप के हैं, तो उसमें जो है वो अधिकतर आपका मौन वाचन ही यूज़ होता है। तो ये पांच जो डिफरेंस हैं वो ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, चलिए आगे। अगला है आपका पॉइंट, स्वर तंत्रीय ध्वनि के प्रकार यदि आपसे पूछा जाए तो घोष अघोष हो जाएगा, स्वर तंत्रीय ध्वनि के प्रकार। और यदि आपसे पूछा जाए प्राण वायु के आधार पर ध्वनि के प्रकार, तो आप किसे कहेंगे, अल्प प्राण और महाप्राण। मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, आप अलग से पढ़ लीजिएगा, घोष अघोष और अल्प प्राण महाप्राण किस प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये मैंने यहाँ पर बता दिया। बात करते हैं आप, चलिए उच्चारण के भेद। आपसे पूछा जाए उच्चारण के भेद कितने होते हैं, तो चार होते हैं, स्वरकृत, कालकृत, स्थानकृत और प्रयत्नकृत। अब स्वरकृत में यदि आप देखें तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है। उदात्त की बात करें तो इसमें उच्च स्वर होता है, अनुदात्त की बात करें उसमें मंद स्वर होता है, और स्वरित की बात करें तो ये ना मंद ना उच्च होता है। कालकृत की अब बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत तीन डिवीजन है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तीनों के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। स्थानकृत की बात करें तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, ये सभी आपके जो डिवीजन किए गए हैं वो स्थानकृत में आता है। प्रयत्नकृत में आपके दो आते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विवृत और समृत, ये आपके चार प्रकार हो जाएंगे। और बाह्य की बात करें तो उसमें विवार, संवार, स्वाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सभी आते हैं। तो डायरेक्ट आपसे इनमें से कहीं से भी बीच से प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्थानकृत के आधार पर क्या डिवीजन किया गया है या आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर क्या डिवीजन है, तो इसलिए मैंने ये पूरा चार्ट ही जो है आपको बनाकर दिखा दिया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब थोड़ा सा वर्णमाला से जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे उनको एक नजर डालते हैं। तो स्वर और व्यंजन में डिवीजन किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर भी होता है। तो ह्रस्व स्वर में जो है आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है, आ, ई, उ, री, ये ध्यान में रखिएगा। दीर्घ स्वर में आपकी जितनी बड़ी वाली मात्राएं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, इस टाइप से सभी आ रहे हैं। और इसके अलावा स्पर्श में का वर्ग से लेकर पा वर्ग, तो आपके जो 25 आप देखते हैं व्यंजन वो, और उसके साथ साथ दो ये डा और अढ़ा, ये दोनों भी आते हैं, तो ये मिलाकर जो है वो 27 आपके हो जाते हैं। अंतस्थ की बात करें तो उसमें 11 लावा होता है, उसमें आपका शा, शा, सा, हा, आगत में आपका जा और फा, और संयुक्त में छत्रक, ज्ञा और स्रा। और इसके अलावा ये सभी किससे किससे मिलकर बने होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 41 होती है, और कुल मिलाकर वर्ण आपसे पूछा जाए तो 52 जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो व्यंजन की संख्या लिखी है वो अन्य जो है उनको मिलाकर लिखी गई, वैसे कहीं कहीं आपको 33 ही ऑप्शन में देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्वरों के वर्गीकरण के अंतर्गत। तो जैसे कंठ है तो उससे उच्चारण में आपका छोटा आ, बड़ा आ, इसके अलावा लास्ट में आप देखें तो अंगा, आहा, ये दोनों भी आते हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। तालु की बात करें तो इसमें ई, बड़ी ई, इस टाइप से जो है आपके आते हैं। इसी प्रकार मूर्धा से बात करें तो री से ऋषि वाला आता है। कंठ प्लस तालु जो कि आपका मिलकर कंठ तालव्य भी बनाता है, उसमें आपका ए और ए आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ओष्ठ प्लस कंठ में बात करें तो कंठोष्ठ, इसमें आपका जो है वो ओ और ओ आता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आपसे यूपी टेट में भी जो है वो पूछे जाते हैं। इसके अलावा ओष्ठ या ओठ की बात करें तो इसमें आपका ऊ और बड़ा ऊ आता है। तो ये आप स्वरों का वर्गीकरण जो देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ये री से ऋषि वाला जो है ये पूछा गया इसी BTC के पेपर में, मूर्धा से आपका करके कुछ क्वेश्चन जो है था। बात करते हैं चलिए अब अगले और लास्ट हमारा विराम चिन्हों के भेद के बारे में। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पेपर में हेल्प मिल सके। तो विराम चिन्हों के भेद आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट, या किसी पर्टिकुलर को लेकर भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 प्रकार के जो है वो बताए हैं, तो यहाँ पर आपको चिन्ह सभी का अवश्य से अवश्य याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। अल्प विराम का ये होता है, अर्ध विराम का ये होता है, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसे हम विस्मयादि चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह, डैश वाला आपका होता है इसी को संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्ठक की बात करें तो यहाँ पर आपके तीन प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं पहला वाला है सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, ये आपका जो है वो मध्यम वाला ब्रैकेट होता है, ये सबसे बड़ा वाला, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। अवतरण चिन्ह ये आपका होता है इस तरफ से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उधर से लगा है, यानी कि दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ये आपका उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह होता है, ये काफ़ी बार आपका पूछा भी जाता है। उपविराम या अपूर्ण विराम की बात करें तो ये होता है, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। विवरण चिन्ह आपका ये होता है,
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह देखिए, ये और आपका ऊपर जो आया था अवतरण चिन्ह दोनों मिलते जुलते हैं, परंतु अंतर ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों विपरीत होते हैं, इसमें जो है दोनों समान होते हैं। लाघव चिन्ह आपका इस प्रकार का होता है, जैसे कि हम डॉक्टर वगैरह लिखते हैं। लोप चिन्ह आपका ये होता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक, जैसे खाली जगह भरो वाली आपके आते हैं। पाद चिन्ह जो है इस टाइप का छोटा डैश होता है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका ये प्लुत स्वर की तरह होता है। पाद चिन्ह आपका डिवाइडेड इस टाइप का है। हंस पद कुछ छूट जाता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। टीका चिन्ह आपका ये होता है। और 19वां है आपका तुल्यता चिन्ह, ये बराबर का होता है। और समाप्ति सूचक जो है आपका इस प्रकार का होता है। तो इसी के साथ हमारा सभी जो है, जो भी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके याद करने वाले पर्पस से, तो सभी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दिए। और भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपके में जोड़ घटाना टाइप की, वो आप अपने अनुसार भी उसको एक बार देख लीजिएगा। जो जो चीज़ें याद करने के पर्पस थी वो सभी मैंने जो है इसमें कवर करा दी। तो बेसिक सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली हैं। अब हम इसी पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी देखेंगे, और जितने भी आपके पूरे कोर्स में अति लघु हैं उनको भी जो है वो हम देखेंगे, ताकि एक क्विक रिवीजन भी आपका साथ में प्रश्नों का भी जो है वो हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पठन जो है इससे आपका क्या अभिप्राय है। तो पठन का आप सभी जानते हैं क्या अर्थ होता है, पढ़ना होता है, अर्थात लिखित जो सामग्री है उसको पढ़ना और उसका अर्थ भी तो ग्रहण करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग के साथ साथ आप क्या चीज पढ़ रहे हैं यानी उसका अर्थ को ग्रहण करना, इस पूरी प्रक्रिया को पठन या वाचन के नाम से जो है वो जाना जाता है। लेखन आपका 2019 में देखिए पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में कि लेखन किसे कहते हैं। तो जब हम अपने मन के बाहरी और अंदरूनी जो भाव हैं, विचार हैं, उनको शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं। क्या करते हैं? लिपि एक प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन वाली लैंग्वेज में लिखना है। अगला है लेखन की अशुद्धियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले यह होती है रेफ या रकार संबंधी दोष। रेफ रकार में कैसे अशुद्धि करता है बालक, जैसे आप देखते ना कि कृपा इस प्रकार से लिखा जाता है तो कुछ लोग कृपा लिख देते हैं छोटी की मात्रा लगाकर। इसी प्रकार जैसे कि आपका अग्रज इस प्रकार से लिखा जाता है तो कुछ लोग क्या करते हैं पूरा अलग अलग लिख देते हैं अगरज, ये आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आरंभिक पठन कौशल के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? शिक्षण और जो बालक है उसके बीच आत्मीय संबंध जो है वो आवश्यक है। अगला प्रश्न 2019 में लेटेस्ट में पूछा गया था, पठन कौशल जो है उसके बाधक तत्व बताइए। तो सबसे पहला तो अति शीघ्रता के साथ पढ़ना, ज्यादा स्पीड में आप पढ़ रहे हैं वो भी आपका एक बाधक में आएगा। अटक अटक कर बोलना, व्याकरण जो तत्व है उनके ज्ञान का अभाव, जैसे ऊपर ही मैंने आपको बताया वो भी एक ज्ञान के अभाव के अंतर्गत आएगा। एकाग्रता का भी अभाव, जैसे आप बहुत शोरगुल वाला माहौल हो तो वहां पर एकाग्रता की कमी आपको देखने को मिलेगी। पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगे। तो ये सभी आपके पठन कौशल जो है उसमें बाधा पहुंचाते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। 2019 में प्रश्न भी आया था। अगला कह रहा है कि लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष बताइए। तो सबसे पहला क्या लेखन में है कि सिरोरेखा की उपेक्षा। सिरोरेखा क्या होती है, जैसे ये लिखा है सिरोरेखा तो ऊपर आप पहले लाइन खींचते हैं उसके बाद ही तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लिखते ही नहीं है, कुछ लोग ये लाइन बिना खींचे लिखते हैं, कुछ लोग इसको तिरछा बनाते हैं, ये सारे इसमें दोष में आते हैं। इसी प्रकार शब्दों के बीच का अभाव, कुछ लोग क्या करते हैं गैप बहुत ज्यादा लगते हैं कि यहाँ शब्दों लिखा के थोड़ा दूर लिखा, बीच थोड़ा पास लिख दिया, ये सारी चीजें। और कुछ लोग का इसी में अभाव के अंतर्गत अगर बात करें तो शब्दों के एकदम पास में एक के लिख देते हैं, बीच में थोड़ी भी डिस्टेंस नहीं रखते क्योंकि दूर दूर आप लिखेंगे तो साफ होती है, ये भी दोष में है। अक्षरों का विकृत आकार, टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हैं, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटियां, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब नहीं हमें पता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अनुनासिक तथा अनुस्वार संबंधित त्रुटियां भी, एक आपकी विसर्ग वाली, एक आपकी जो बिंदी लगाते हैं। तो वैसे आपका अनुनासिक अनुस्वार क्या होता है, तो अनुनासिक जो है इसमें आपकी चंद्र बिंदी होती है और जो अनुस्वार है इसमें आप केवल बिंदी लगाते हैं। तो इसकी जो गलती करते हैं जैसे कि गंगा हो गया तो उसमें गगा तो लिख देते हैं, कुछ लोग बिंदी नहीं लगाते हैं, संत है तो उसमें बिंदी ना लिख के डायरेक्ट सत लिख दिया, तो ये सारी चीजें। इसी प्रकार आंख जैसे लिखते हैं तो उसमें आपका अनुनासिक में इस प्रकार से चंद्र बिंदी आती है, पर कुछ लोग दूसरे वाला अनुस्वार वाली जो है वो आंख लिख देते हैं, तो ये भी आपके इसी सभी लेखन कौशल के दोष में आएगा। और ये अनुस्वर नहीं होता है, अनुस्वार होता है, यहाँ पर एक मात्रा भी लगती है, स्वार। देखते हैं अगला प्रश्न, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयार्थक। तो ये सभी आपके प्रकार होते हैं वाक्यों के प्रकार। यहाँ पर तो अर्थक करके सब लिखे हैं, पर यही वाचक करके भी होते हैं। जैसे पहला वाला है तो विधान वाचक वाक्य, इसे हम अफर्मेटिव कहते हैं। वर्ण की बात करें तो जिनको खंड खंड ना किया जा सके उन्हें हम कहते हैं वर्ण। अमूल्य अखंड मूल्य ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। अगला कह रहा है वर्ण वाक्य के खंड कीजिए,
तो एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। तो विधेय में खंडित किया जा सकता है, यही होता है। अगला कह रहा है विधेय किसे कहते हैं, तो देखिए 2018 में पूछा गया था प्रेडिकेट इंग्लिश में, मैंने आपको पढ़ाया था। तो उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो प्रेडिकेट है वही तो बताता है, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे कि जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, यहाँ पर पेन लिखा है, पेन एक मात्रा लगती है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है और मुझे एक सुंदर पेन दिया, वो आपका विधेय है। यहाँ भी पेन में दो मात्रा लगी, एक लगती है। अगला कह रहा है आज्ञावाचक वाक्य को समझाइए। तो आज्ञावाचक वाक्य मैंने आपको बताया कि जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे बसंत तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, तो क्या है? आज्ञा है। अब आप बैठ सकते हैं, अनुमति है। इस टाइप की सारी चीजें इसमें आती है, मैंने अभी ऊपर प्रकार भी बताया अलग अलग। अगला कह रहा है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं एक व्यंजन, ये तो आप सभी जानते भी हैं। अगला कह रहा है ध्वनि क्या है, तो हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ क्या होता है? सीमित होता है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ध्वनि के प्रकार पूछे गए हैं, तो ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए क्या करते हैं, ध्वनि उत्पादक जो अव्यय है उनको जानना आवश्यक है। जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीवा, नासिका, जिनसे उच्चारण होने वाले अलग अलग वर्ण को हम देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, बलाघात क्या होता है, ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है आपसे। तो बलाघात की डेफिनेशन भोलानाथ तिवारी जी के शब्दों में लिखी है कि बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि अक्षर शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षित अधिक बलाघात युक्त ध्वनि अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियां आदि से भी मुखर और शक्तिशाली होती हैं। अगर नॉर्मल अर्थ की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी कार्य हो गया, वस्तु हो गया, और भी बहुत सी ऐसी चीजें जिन पर साधारण से कुछ अधिक बल लगाने का जहां पर भाव होता है उसको हम बलाघात जो है वो कह सकते हैं। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि मन के जो आपके भाव हैं, विचार हैं, उनको या उनके महत्व को समझाने के लिए उन पर विशेष जब हम जोर देते हैं तब आपका बलाघात जो है वो होता है। अगला पूछा गया स्वराघात। 2018 में देखिए प्रश्न पूछा गया था कि सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है, सुर आपके उच्च, मध्य तथा निम्न होते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई वीरांगना है, उन पर कोई कविता पढ़ाई जा रही है, तो उसी लेवल पर आपके जो सुर होते हैं उसमें भी तो उतार चढ़ाव होता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो, तो इस टाइप से स्वर का भी तो उतार चढ़ाव होता है। उसी को लेकर यहाँ पर कहा गया कि वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वरतंत्रियों से उत्पन्न स्वर, उस सुर या आवाज से जो कभी नीची कभी ऊंची और कभी संपड़ाई सुनाई पड़ती है, जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है। क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर, और जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर को निकलता है, और मध्यम तनाव होता है तब आपका सम या मध्यम स्वर निकलता है। फिर स्वर किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। उच्चारण में एक मात्रा का समय जहाँ होता है वहाँ स्वर होता है, जैसे कि आ ई उ, और साथ में री से ऋषि वाला भी। अगला कह रहे हैं कि अनुनासिक स्वर क्या है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है उसे हम कहते हैं। इसके लिए आप ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थान अभाव के कारण चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्र बिंदु लगा देते हैं, और बिंदु ही लगा दिया जाता है। जैसे कि कहीं में कहीं है, मैं है आदि में अनुनासिक से अर्थ में अंतर जो है वो पड़ता है। तो ये तो मैंने ऊपर अभी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको अनुनासिक और अनुस्वार दोनों बता दिया। अगला कह रहा है कि प्रयत्न से आशय समझाइए। तो ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। अगला टा वर्ग में आने वाले वर्ड, तो टा ठा डा डा और टा, ये सारे आते हैं आप सभी जानते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि छत्रज्ञा और श्रा, ये तो मैंने आपको बताया था। अगला कह रहा है स्वर के भेद बताइए, तो मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर, इन इन आधार पर यहाँ पर डिवीजन जो है वो होता है, यही मैंने ऊपर बताया अभी था। अगला कह रहा है कि संदेश से आशय की बताइए, तो बालकों को उनके ज्ञान अर्जन हेतु, व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार के संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। अगला कह रहा है नाटक शिक्षण क्या है, नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवशेष अवस्था विशेष जो है उसका अनुकरण करके आनंद लेना और दर्शक जो है उसको आनंद प्रदान करना वो नाटक कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको पता तो सभी को है नाटक के शिक्षण क्या होता है, बस आप उसको लैंग्वेज में कैसे लिख रहे हैं वो आपके लिए मेन है। अगला प्रश्न 2018 में पूछा गया था कविता शिक्षण के दो उद्देश्य, तो पहला होता है छात्रों में कल्पना शक्ति और बोध शक्ति का विकास करना, दूसरा है छात्रों को कविता जो पाठ है वो सुनने योग्य बनाना। तो दो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा उद्देश्य। और यही जरूरी नहीं कि आप यही पॉइंट लिखें, आप अपने आप से लिख सकते हैं। अब कल्पना शक्ति जैसे लिखा है, इसका दूसरा वर्ड रूप लिख सकते हैं कि जो छात्र है उसमें भाव ग्रहण करने की क्षमता आ जाती है, अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगता है। इस प्रकार से अलग अलग पॉइंट आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं।
अगला कह रहा है कि कविता शिक्षण का महत्व, तो कविता मानव को रसपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण कर देती है, कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है, कविता बालक में रागात्मकता का विकास करती है और सृजनात्मकता का भी तो विकास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या होती है, अब बताइए। तो सबसे एक लाइन में अच्छी तरीके से लिखा है कि वाक्य के अंदर जो भाव है उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है, यही मेन आपका सबसे पॉइंट भी होता है कि जो आपका सेंटेंस है वो क्या कहना चाह रहा है, तो अभिव्यक्त करने का मतलब तो होता है अपने विचार को दूसरे के सामने प्रकट करना, तो उसकी क्षमता निहित होती है। अगला है संयुक्त व्यंजन, तो आपको पता है छत्राज्ञा और श्रा, ये आपका श्रा दो बार लिखा हुआ है, देखिए मिसप्रिंट है, ये छ होता है, छत्राज्ञा और श्रा। अगला है कि चा वर्ण की ध्वनियां कितनी होती है, तो चा वर्ण में कौन कौन से आते हैं, चा चा जा जा यहाँ आते हैं, पा वर्ग, इसी प्रकार पा वर्ण की ध्वनियां कितनी होती है, तो आप देखेंगे पा पा बा भामा। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, देखिए 2019 में अंतस्थ व्यंजन पूछा गया था, मैंने बहुविकल्पी में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी थी इसीलिए। अगला कह रहा है शब्द किसे कहते हैं, तो अक्षर और वर्णों के परस्पर मेल को कहते हैं। अगला है हलंत से क्या अभिप्राय है, तो इस प्रकार हलंत का चिन्ह होता है, जहां हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शन करना होता है तो हलंत का यूज किया जाता है, जैसे कि का जो है इसको का हलंत के साथ लिख सकते हैं, ला जो है उसको ला लिखते हैं, तो ये आपका स्वर रहित जो है उसके प्रदर्शन के लिए होता है, क्योंकि आपका मिलकर बना होता है। अगर आप देखेंगे जो का है वो कैसे मिलकर बना होता है, हलंत वाला और साथ में आ, इस प्रकार से आप देखते हैं सबसे मिलकर बना होता है, तो जब आप ये छोटा आ है इसको हटा देंगे तो क्या ये बन जाएगा, अगर केवल इसमें हलंत लगा रहा है तो आप कहेंगे स्वर रहित हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, 2019 में आया था देखिए प्रश्न, तो आप क्या कहेंगे, री का था दा रा बड़ा रा और श, जितने भी आपके मूर्धन्य वर्ण में आते हैं वो सभी आप इसमें लिख देंगे। अगला है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, नागरी लिपि जो है वो होती है, संस्कृत भाषा की लिपि नागरी लिपि आपका हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर वाले प्रश्न में ये चीज अवश्य ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य वर्ण में आपका जो टा वर्ग है वो तो आते ही है पूरा पूरा, उसके साथ साथ ये जो स्वर है री से ऋषि वाला वो भी आता है, और ये जो आपका उस व्यंजन में श श आता है उसका ये वाला श आता है, तो यही दो मेन आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप टावर का आसानी से कर ले जाएंगे। अगला कह रहा है कि विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए, तो हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी शब्द में बल प्रदान किया जाता है, यथा जैसे कि यथा मतलब होता है उदाहरण, दुख के स्थान पर दुख लिखना, इस प्रकार से विसर्ग लिखकर आप दर्शाते भी हैं। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू आप सभी जानते हैं। अगला कह रहा है का वर्ग में कितने वर्ण है, तो का खा गा गा आप सभी जानते हैं। अगला है स्वरों का लिखित वर्णन प्रस्तुत कीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से स्वर आ छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा लिखा हुआ, इसी प्रकार की मात्रा भी आप नीचे दर्शा सकते हैं। अगला कह रहा है ध्वनि को लिपिबद्ध करने का अभ्यास कराने हैं तो आवश्यक जो क्रियाएं हैं उसका वर्णन कीजिए, तो पहला है वर्णाकृति का ज्ञान होने पर ही बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए, दूसरा है लिपियों में अंतर करने का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए, फिर है बालक जब शब्द चित्रों को पहचान कर वर्णों की ध्वनियों के अंतर को जो है वो समझ जाता है तभी अभ्यास कराना चाहिए, फिर आपका चित्र दर्शन और शब्द पठन का ज्ञान होने पर ही अभ्यास कराना चाहिए, तो ये सभी आपके जो है इस प्रकार से हो जाएंगे। अगला देखते हैं अल्प विराम चिन्ह बताइए, तो वाक्य में अल्प विराम ये कॉमा होता है, इस प्रकार से इसका प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। इस आपके जो विराम चिन्ह है उनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, हर साल एक ना एक, तो इन सभी को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। बाकी अगर प्रीवियस वाले आप देखेंगे जो वीडियो मैंने कराए हैं फास्ट रिवीजन के, उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई। अगला है, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, जो स्टार्टिंग में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए, तो निर्देशक चिन्ह को डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विनोद ने पूछा आप कब आई, तो ये आपका यहाँ पर जो पूछा है उसके बाद देखिए निर्देशक चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। अगला 2019 में प्रश्न पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में कि रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई, इस प्रकार से आपका बदल जाएगा, कृतवाच्य कर्मवाच्य यही आपके होते हैं। अगला देखते हैं अर्धविराम को समझाइए, तो वाक्य में पूर्ण विराम से जब कम ठहरने के लिए हम यूज करते हैं तो अर्धविराम का यूज करते हैं, चिन्ह आपको बताना चाहिए कि आप ऊपर इस प्रकार से बिंदी और उसके नीचे कॉमा लगाते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। यहाँ पर एग्जाम्पल आपके गलत दे रखे हैं, क्यों ये सब तो कॉमा कॉमा लिखे हुए हैं, ये आपके एग्जाम्पल सब गलत है। आप क्या एग्जाम्पल रखेंगे कि जैसे यह घड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, फिर उसके बाद विराम लगाएंगे अर्धविराम, फिर लिखेंगे यह बहुत सस्ती है। जब हम क्या कहते हैं बहुत हल्का सा विराम लेना होता है तब वहां पर हम अर्धविराम का यूज करते हैं, तो ये एग्जांपल आपके सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, 2019 में आया था सबसे लेटेस्ट में कि वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समानार्थी कहते हैं, आप यहाँ पर पर्यायवाची के कुछ उदाहरण भी लिख सकते हैं। अगला कह रहा है विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो विलोम कहते हैं, आप सभी जानते हैं। कुछ शब्दों के विलोम पूछे गए, जैसे कि आरोप का विलोम क्या होता है, प्रत्यारोप होता है, आरी का विलोम मित्र होता है, आज का कल, आशा निराशा, तो ये सब क्या है, विलोम शब्द आपके हो जाएंगे।
अगला कह रहा है कि उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। उद्यान के समानार्थी बाग भी होता है, बगीचा भी होता है, उपवन भी होता है। बंदर के पर्यायवाची वानर होता है, कपि होता है, मरकट होता है। तो ये सभी किसके हैं पर्यायवाची? उद्यान और बंदर के। ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं किसी के भी। तो आपको जो मेन मेन है एक बार रिवाइज करके अवश्य जो है वो जाना है। अगला कह रहा है कि श्रुत लेख के लाभ बताइए। श्रुत लेख आपका यहाँ पर पूछा गया, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना, सुनकर लिखना, इस प्रकार से आसानी से आप कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों की जो श्रवण प्रक्रिया है या श्रवण शक्ति आप कह सकते हैं, उसमें सुधार होता है जब सुनेंगे, जाहिर सी बात है। दूसरा आप क्या कह सकते हैं कि जो लेखन सामग्री है उसका भी विभाजन करना सीख जाते हैं। तीसरा आप क्या कह सकते हैं कि विराम चिन्ह आदि भी लगाना जो है वो सीख जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न कि शुद्ध सुडौल और आकर्षक लेखन के अभ्यास के लिए किसी एक विधि का वर्णन यहाँ पर पूछा गया है। तो चित्र विधि यहाँ पर लिखी गई कि इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली जो वस्तु है उसका चित्र बनाया जाता है। जैसे कि का के लिए आप कलम बना दीजिए, गा के लिए आप गमला बना दीजिए, घा के लिए घड़ा बना दीजिए, पा के लिए पंखा बना दीजिए, ता के लिए तराजू, चा के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध है। जैसे कि जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा उसे मात्र लिखने की शिक्षा जो है वो दी जा सकती है। आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो पुस्तक होती है उसमें इसी प्रकार से पूरा एक पन्ना होता है, उस पर एक खाली वर्ड लिखा होता है, उस पर लिखा होता है का से कलम। वही चीज है चित्र विधि आपकी। अगला कह रहा है संख्या क्या है? इवन नंबर तो आप क्या कहेंगे? दो संख्या दो से पूर्ण विभाजित हो जाए संख्या कहलाती है। दो चार छह आठ, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। विषम संख्या है, ऑड नंबर क्या होती है? तो दो से पूर्ण विभाजित ना हो, विषम संख्या है, जैसे एक तीन पांच, इसी प्रकार आपकी आगे भी हो जाएंगे। अगला कह रहा है अपरिमेय संख्या क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। इररेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू मतलब पी अपॉन क्यू, इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी कतई बेकार दिए हुए हैं, पांच सात ये सब एग्जांपल आपके बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? जैसे कि आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इस टाइप के आप अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न, सहभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर्स। तो वैसी संख्याओं का योग में जिसका महत्तम समापवर्तक यानी कि जो एचसीएफ है वो एक हो और सहभाज्य संख्या वो कहलाती है, जैसे पांच छह आठ नौ, ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अगला कह रहा है रामानुजन संख्या बताइए। तो आप क्या कहेंगे? वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो अलग अलग घन संख्या के रूप में लिखा जा सके, रामानुजन संख्या कहलाती है। इसको ध्यान से समझिए, जैसे कि 1729 को अगर आप देखें तो 1729 को आप दो संख्याएं ऐसी लीजिए जिनके घन के योग के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। तो 10 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे 1000 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे 729 होता है। 9 9 81 81 9 729, तो इन दोनों का जोड़ आपका 1729 आएगा, तो ये आपका एक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? 12 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना होगा? आपका 1728 होता है, तो आप क्या लिखेंगे? 1728। और प्लस 1 का क्यूब एक ही होता है, प्लस 1, तो 1728 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा 1729। ये भी तो कहने का मतलब क्या है? ऐसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे दो अलग अलग जो घन संख्याएं हैं इसके योग के रूप में लिखा जा सके, उसे हम रामानुजन संख्या कहते हैं। अगर आपको याद होगा तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो मैं आपको चैप्टर वाइज कोर्स अभी 2020 के लिए करा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पर ये रामानुजन संख्या मैंने आपको और एग्जांपल के जरिए भी बताई थी। अगला देखते हैं प्रश्न, परिमेय संख्या क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका 2018 में पूछा गया था। देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पर मैथ के प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट का नाम ही है गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास, इसीलिए। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके होती है। और शर्त क्या है? जो पी अपॉन क्यू है इसमें जो नीचे वाला मान है ये शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप शून्य के बराबर लिख देंगे तो उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे 5/4 आपकी परिमेय संख्या है, -1/6 दो सही 1/4, इस टाइप से आपकी हो जाएंगी, दो भी आपकी, -5 भी, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगला है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं हमसे? होल नंबर। तो जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए एक से लेकर दो हो गया, तीन हो गया, इस प्रकार तक अनंत तक आपकी जो संख्याएं होती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। जब इसमें शून्य को भी शामिल कर दिया जाता है तब आपकी ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर बन जाते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। अगला कह रहा है जोड़ किसे कहते हैं? तो जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या को मिलाते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। अगला है 36 जो है उसमें से 19 को घटाइए, तो 36 में 19 घटाएंगे 17, आप आसानी से कर सकते हैं। 7 8 9 से इसको घटाना, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य बताइए। तो सबसे पहला क्या है कि प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग करना चाहिए। होता ना हम कहते हैं कि बेटा ये देखो तुम्हारे पास एक पेन है, मैंने तुम्हें एक पेन और दे दिया, अब तुम्हारे पास कितने पेन हो गए। तो हमने क्या किया? प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर उसे जोड़ सिखाया, वही लिखा है यहाँ पर। दूसरा कह रहा है प्राथमिक जो जोड़ संबंधित तथ्य उनका पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है, बेसिक मजबूत होगा तभी वो आगे समझ पाएगा। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के लिए जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ भी आना मुश्किल है। इसी प्रकार जोड़ सक्रिया जो है उसको विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सिखाना चाहिए, बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए बच्चों को जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरण तथा जो दृष्टांत है उसका चित्र सहित भी अध्ययन कराना चाहिए। देखते हैं अपना अगला वीडियो का, आपने अभी तक लाइक ना किया हो, इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े अवश्य जाइएगा। घटाने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं घटाना। क्या है? किसी एक संख्या में दूसरी संख्या कम करना घटाना है। गुणा क्या है? तो आप कहेंगे जोड़ की आसान विधि गुणा होती है, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि दो का पहाड़ा देखते हैं, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चक्कू आठ, इस टाइप से। एक मिनट,
चार छः आठ। अब यहाँ पर दो से यानी टू टू जा फोर होता है, तो दोबारा इस नेक्स्ट वाली संख्या पे क्या किया आपने, दो ही तो उसमें जोड़ा तभी तो आपको अगली संख्या प्राप्त हुई। इसी प्रकार आप देख रहे हैं फिर से आप दो जोड़ रहे हैं तभी तो आपको अगली संख्या प्राप्त हुई। वही लिखा है कि जोड़ की जो आसान विधि होती है उसी को गुणा कहते हैं, क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे कि 13 का आपको पढ़ा आता है तो 13 दूना 26 होता है, 13 3 39 होता है, तो आप क्या करिए 13 13 जोड़िए आपका उसे आ जाएगा। एक अंक वाली संख्या से गुणा समझाइए, तो सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं। जैसे यहाँ पर 22 को 4 से किसी भी संख्या को आप गुणा करके दिखा सकते हैं, एक अंक वाली संख्या से गुणा लिखा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा जिससे आप गुणा कर रहे हैं वो आप एक अंक की संख्या लें। यहाँ पर इस प्रकार से गुणा करके दिखा देंगे, ये भी आप दिखा देंगे कि ये जो पहला वाला ये इकाई है, बाद वाला दहाई है, इसको आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये मान जो है वो आ जाएगा। इसको यहाँ पर लिखा भी गया है थोड़ा सा और डिफाइन करके कि 8 दहाई बराबर 80 इकाई, 80 इकाई प्लस 8 इकाई, यहाँ से आपका दोनों सेक्शन अलग अलग है, 8 दहाई 80 इकाई के बराबर होता है और 80 इकाई प्लस 8 इकाई मिलकर आपका 88 इकाई, इसी को जो है इस प्रकार से लिखा गया है। आंसर तो आपका 88 आएगा, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ये भी लिखा गया है कि एक अंक वाली जो संख्या उसे गुणा बिना हासिल करके करना है, तो यहाँ पर जो गुणा करने के बाद आ रहा था जैसे 4 2 8, तो कोई हासिल ऊपर नहीं आना चाहिए, यानी कि संख्या आपको ऐसी छोटी ही माननी है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दो अंकों वाली संख्या को दो अंकों की संख्या से किस प्रकार गुणा जो है वो किया जाता है। तो इसको हम इसी प्रकार दो अंकों वाली संख्या 34 हमने ले ली, 25 ले ली, दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो सभी को आता ही है। जो यहाँ पर चीजें ध्यान देने वाली वो ये सब है कि जैसे आप इकाई दहाई सैकड़ा ये सारी चीजें दर्शा रहे हैं तो उसको आपको दर्शाना है, और नीचे पूरा लाइन वगैरह खींच के आंसर इस प्रकार से जितना भी आया उसको लिखना है। फिर ये जैसे गुणा किया आपने उसको लिखना भी है क्रियाविधि के अंतर्गत कि 34 जो है उसको पहले 5 इकाई जो है उससे जो है वो गुणा किया गया है, तो 34 जो है इसमें 5 से गुणा करेंगे 170 आएगा, उसको पहली पंक्ति में लिखेंगे इस प्रकार से। फिर 34 जो है इसको 2 से दहाई से गुणा किया गया, 68 आपका आया, और उसको इकाई के स्थान पर मल्टीप्लाई लगाकर दूसरे की लाइन, मतलब कि आप जैसे भी प्रकार से गुणा करें, यहाँ पर तो पूरा पूरा गुणा करके लिखा गया, आप 5 को पहले 4 से कीजिए, 5 को 3 से कीजिए, तो जिस प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से आप लिखेंगे। इसी प्रकार मल्टीप्लाई लगा के 2 को 4 से 2 को 3 से यहाँ लिखेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे। अगला है प्रश्न, संख्या 10 को क्या कहेंगे, तो आप सभी जानते हैं संख्या 10 को दहाई कहा जाता है, वही आप लिख देंगे। 60 इकाई को क्या कहेंगे, तो 60 इकाई को 6 दहाई कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि एक दहाई जो है उसमें आपके 10 इकाई होते हैं, तो अगर यही आप बात करें 6 दहाई की तो उसमें 60 इकाई के बराबर हो जाएगा, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। अगला 80 में कितनी दहाई होंगी, तो संख्या 80 में 8 दहाई होंगी, ऊपर वाले क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। अगला कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखी है, तो आप समझ सकते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो 1000 होगा, या 4 अंकों की हो जाएगी तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 होगी। सेम चीज़ अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो आपकी 100 होगी, क्योंकि यही 3 अंकों की है, इससे नीचे जाएंगे तो 99 आपकी 2 अंकों की हो जाएगी। अगला देखिए लिखा है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या कहेंगे 10 होगी, क्योंकि 10 से आप नीचे जाएंगे 9, जो कि आपकी 1 अंक की संख्या हो जाएगी। अगला कह रहा है 1 सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो आप क्या कहेंगे 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण की मनोवैज्ञानिक समस्याएं क्या हैं, लिखिए। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रायः भाषा शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती हैं, उसको पॉइंट वाइज बताया गया कि पहला तो निरंतरता तथा धैर्य का अभाव, अरुचि यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट ही ना बने, तीसरा व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, शिक्षक द्वारा प्रेरित ना करना भी एक समस्या होती है, हीन भावना और संकोच की भी भावना होती है, और संप्रेषण की समस्या यानी कि कम्युनिकेशन, जो हम आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं उसी को संप्रेषण कहते हैं, तो उसकी भी समस्या होती है। तो भाषा शिक्षण में सभी चीजें जो है वो होती हैं। अब किसी के मन में आएगा कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि संकोच या हीन भावना का मतलब क्या है, तो भाषा शिक्षण में क्या होता है, जैसे कि आपको कोई चीज नहीं, आपको चीज पढ़ाई जा रही है, आपको नहीं समझ में आई, आप बैठे हैं क्लास में, आपने क्या सोचा कि अरे कोई नहीं पूछ रहा, हम क्या पूछें, तो एक संकोच की भावना आपके में आई, आपने नहीं पूछा, और वो भाषा शिक्षण में आपने वो चीज़ अगर नहीं सीखी तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो ज्ञान अधूरा रह गया। इसी प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्या में अलग अलग बच्चे अलग अलग क्षमता होती है, किसी को बहुत जल्दी समझ में चीजें आ जाती हैं, किसी में बहुत समय लगता है, किसी को बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, तो ये भी तो अलग अलग समस्याएं लोगों को होती हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं लेखन का अर्थ बताइए, 2016 के यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो गए प्रीवियस ईयर के, तो ध्यान से समझिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो मन के भाव और विचारों के लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं, लेखन। अब जैसे आपके मन में कुछ आ रहा है तो जो भी आपके मन में आया, आपके मन के भाव हो गए, विचार हो गए, उनको आपने क्या किया, लिपिबद्ध प्रदान करके उसको जब लिखित आप रूप में लिख देते हैं तो वही आपका लेखन हो जाता है। 2016 में आया था, आपको लेखन तो पता है क्या होता है, पर लिखना कैसे वो आपको समझना है। अगला है उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए, तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, तीनों के बारे में मैं बता चुका हूं इससे पहले वीडियो में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला कह रहा है कि अयोग वाक्य 3 प्रकार लिखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल चीजें आप सबको पता होती है स्पर्श अंतस्थ, पर अनुस्वार अनुनासिक में कुछ लोग गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा अयोग वाक्य 3 प्रकार
अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी। एक होता है चंद्रबिंदु, एक होता है बिंदु और तीसरा विसर्ग, तो आप सभी जानते ही हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन और कारक के कारण अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आप वर्ड ले लीजिए, क्रिया ले लीजिए, तो हम क्या कहते हैं, जैसे कि हमें अच्छा लगता है, जब कोई यही लिंग उसमें परिवर्तन किया जाए, कोई फीमेल हो तो हम क्या कहेंगे, अच्छा लगता है की जगह लगती है, तो ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब परिवर्तन आपका आ जाता है तब हम उसे विकारी कहते हैं, जब परिवर्तन ना हो तब हम उसे अविकारी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा 2016 में सभी प्रश्न चल रहे हैं आपके। अगला कह रहा है कि ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखे है। तो मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तीन आधार पर डिवीजन किया गया है। तो आपका आ, ई, उ, री, ये चार होते हैं ह्रस्व स्वर जो है इनकी संख्या, और दीर्घ में इसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में दो मात्रा का समय, प्लुत में उससे अधिक का। अगला प्रश्न कह रहा है कि बलाघात क्या होता है, ध्वनि विज्ञान के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न कल भी आया था परंतु दूसरे तरीके से वहां पर पूछा गया था। तो बलाघात मैंने बताया था कि मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षित अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियां आदि से अधिक मुखर और शक्तिशाली होती हैं। और सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि आप कह सकते हैं कि कार्य वस्तु आदि पर साधारण से कुछ अधिक बल देने का जब भाव होता है, नॉर्मल से जब अधिक बल देने का भाव होता है, तब वहां पर आपका बलाघात जो है वो होता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपका है जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण करके उनके नाम लिखिए। तो जब जीवा के आधार पर बात की जाती है तो आपका समृत, अर्धविवृत, विवृत और अर्धसमृत, इस प्रकार से जो है वो डिवीजन किया जाता है। वैसे ये आपका जो लिखा हुआ है जीवा के आधार पर, ये इसमें नहीं आते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। जीवा के आधार पर जब हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण आपसे पूछा जाए तब आपका तीन प्रकार से होता है। एक होता है आपका अग्रस्वर, एक होता है आपका मध्य स्वर और एक होता है आपका पश्च स्वर। तीनों को समझिए। अग्रस्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला वाला भाग काम करता है। जीवा के आधार पर जब डिवीजन करेंगे तो जीभ का ही तो मुख्यतः रोल होगा। तो अग्र स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया और बड़ा ए हो गया, वो सब आपके आते हैं अग्र स्वर में। मध्य स्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे कि छोटा अ बोल के देखिए अ, तो कहां से, जीभ के मध्य भाग से जो है आपका उच्चारण में हेल्प मिल रही है, आपका मध्य स्वर होता है। पश्च स्वर क्या होता है, पश्च मतलब ही होता है पीछे, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, पिछला भाग जो है, पीछे वाला भाग वर्क करता है, काम करता है, वो आपका पश्च स्वर में आते हैं। जैसे कि बड़ा अ या बड़ा नहीं छोटा उ, बड़ा उ दोनों ही आपके इसमें आएंगे, अ अ भी आएगा, ये सब इसी के अंतर्गत पश्च में आते हैं। तो बात करें जो यहाँ पर एग्जाम्पल में समृत, अर्धविवृत, विवृत, अर्धसमृत दे रखे थे, ये किसमें आते हैं, तो ये आते हैं आपके मुख विवर, मुख विवर, मुख विवर या मुख द्वार आप कह सकते हैं, खुलने के आधार पर ये डिवीजन होता है। मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर, जिसमें आपके चार टाइप होते हैं। एक होता है विवृत, जिसे हम कहते हैं ओपन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ बोल के देखिए तो आपका पूरा खुला है, तो विवृत होता है। फिर आपका आता है अर्धविवृत, विवृत से ही आप आएंगे अर्धविवृत पे, ऐसे सीरियल से याद रखेंगे आसानी होगी, यानी कि हाफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे कि छोटा अ बोल के देखिए उसमें होगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आप रखेंगे अर्धसमृत को, अर्धसमृत मतलब हाफ क्लोज, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है। तो आपका ए और ओ यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखे हैं इनको जरूर ध्यान रखिए, तो ए और ओ हो जाएगा, तो ये आता है किसमें, अर्धसमृत में। और इसी प्रकार अगर बात करें समृत की, तो ये होता है क्लोज, जो कि आपका जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे कि आप छोटी ई बोल के देखिए, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, तो ये सब समृत में एग्जाम्पल से बहुत पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिवीजन लिखा हुआ है ये मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर है। जीवा के आधार पर आपका अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर होता है। और भी डिवीजन होते हैं, मैंने आपको बताया था मात्रा, काल या उच्चारण काल के आधार पर जब आपसे डिवीजन कहा जाए तब आप कहेंगे, जो अभी हमने देखा था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये होते हैं मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। इसके अलावा एक और होता है ओठो की स्थिति के आधार पर, तो आप क्या कहेंगे, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आवृत्त मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो होते हैं वो वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं आवृत्तमुखी, या वृत्तमुखी में जिसमें हो जाते हैं गोलाकार। तो ये आपके सब अलग अलग तरीके से डिवीजन है। और एक और आता है जब आपका हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर डिवीजन पूछा जाता है, तब आपका होता है निरनुनासिक और अनुनासिक, तो ये भी आपके इसमें होते हैं। अगला देखते हैं, री स्वर का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है। तो आप सभी जानते हैं मूर्धा है, देखिए व्यंजन में तो सबको याद होता है, पर जो स्वर होते हैं क्वेश्चन यहीं से पूछ के आपको फंसाया जाता है।
जितने भी स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर है वो आपको अवश्य रटा होना चाहिए। जैसे कि कंठ से उच्चारण में आपका छोटा आ, बड़ा आ, आंगा आहा ये सारे आते हैं। तालु से में आपका छोटी बड़ी आता है। मूर्धा में आपका री से ऋषि वाला आता है जो कि यहाँ पर पूछ ही लिया गया है। और कंठ प्लस तालु दोनों का जब मिला देते तो कंठ तालव्य हो जाता है, जहां पर आपका ए और ए आता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। कंठ तालु या कंठ तालव्य आप कहेंगे तो ए। और इसी प्रकार अगर बात करें कंठोष्ठ यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर जब उच्चारण हो तब आप क्या कहेंगे ओ और ओ। ये आपका होता है कंठोष्ठ और ये आपका होता है कंठ तालव्य। हिंदी के लिए भी आपका ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी में भी आपके और इस सब्जेक्ट में भी है तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं उस व्यंजन क्या देखे दो बार पूछा गया 2019 में भी 16 में भी दो बार रिपीट हुआ है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे उस व्यंजन कहलाते हैं। और सभी जानते हैं उस व्यंजन कौन कौन से होते हैं तो चार प्रकार के होते हैं। एक आपका शाह होता है, एक आपका यह षटकोण वाला शाह, एक ये वाला शाह और एक आपका हा। अगला है अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब नाक स्वर जो है वो नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाए जाते हैं। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे कि उंगली आंधी आदि। एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल आप नहीं लिखेंगे अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आधा ही नंबर मिलेगा। मेन आपका एग्जाम्पल ही होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है हलंत से क्या अभिप्राय है। तो हलंत से अभिप्राय आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है तो आप हलंत जो है वो लिखते हैं। एग्जाम्पल देखे भी मैंने कल बताया था 2016 में क्वेश्चन आया था। अगला अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो आप जानते हैं 26 वर्ण होते हैं। अगला है चावर की ध्वनियां कितनी, नाम लिखिए तो चा छा जा झा इया ये सब आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है लिखिए। तो गुणा में आपकी गुणनफल हो गया, गुणज हो गया, गुणक हो गया, ये सारी होती हैं। सस्वर पठन से आपका क्या समझते हैं 2017 के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, 2016 के आपके समाप्त हो गए। तो स्वर रहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, जिसमें आपका क्या हो स्वर सहित रहित नहीं स्वर जिसमें हो। मौन वाचन मतलब जिसमें स्वर ना हो, तो तब वहां पर आप रहित का वर्ड यूज करेंगे। रहित मतलब ही होता है उसके बिना। तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। इसके दो भेद होते हैं, एक आदर्श वचन वाचन और एक अनुकरण वाचन। शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है और अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है जो कि छात्र अध्यापक के अनुसार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम आप रट के रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगला कह रहा है कि भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह जो है उसकी कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। तो पहला है भाव को जो समझ करनी पड़ते हैं। आरोह अवरोह का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई कविता पढ़ रहे हैं ऐसी जिसमें कोई वीर या वीर गाथा का के बारे में बताया गया है या कोई शोक है या कोई उल्लास है, तो उसी के अकॉर्डिंग भी तो आप क्या करते हैं अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे करते हैं। जैसे मैं इसको इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ कि भाव को समझ कर ना पढ़ना, तो इसमें अगर किसी पर मुझे जोर देना होता है मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा विराम लेकर उस पर थोड़ा सा जोर देता हूँ, वहाँ पर ठहरता फिर आगे बढ़ता। तो यही मतलब हम अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करते हैं। जैसे वीर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो हमने क्या किया थोड़ा सा उतार चढ़ाव किया, तो वही आरोह अवरोह जो है उसी को कहते हैं। अब इसकी कठिनाई ये होती है कि जो लोग समझ ही नहीं रहे क्या वो पढ़ रहे हैं तो वो कैसे उतार चढ़ाव करेंगे। वो तो एक निबंध की तरह भाषा से चढ़ने उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उतना ऐसे पढ़ रहे हैं तो वो कैसे उतार चढ़ाव करेंगे, तो वही मतलब है भाव को समझ कर ना पढ़ना। दूसरा है धारा प्रभाव का अभाव। धारा प्रवाह का अभाव मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग ज्यादा ही ठहर रहे हैं, एक जो सिक्वेंस बना है उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे, वो सारी चीजें। मूल भाव के विपरीत पठन कि वहां पर एक्चुअल क्या अर्थ निकल रहा है, क्या भाव है, उसके अपोजिट आप उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। शीघ्रता से बहुत पढ़ रहे हैं, ये भी तो होता है जब आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो आप उसमें जो भाव उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, आप लिख ले जाएंगे। अगला कह रहा है पढ़ते समय ध्यान रखने वाली दो बातें बताइए। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पर तीन बातें लिखी हैं कि पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि जो सुनने वाला है श्रोता है उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। फिर प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है, ऐसा करने पर पठन पूर्णता सफल होगा और जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य आपको रुकना चाहिए। जैसे मैं यहाँ ये चीज पढ़ रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जहाँ रुकने की आवश्यकता हो मतलब थोड़ा सा जहाँ पर जोर देने की आवश्यकता है वहाँ जोर दे रहे हैं, जहाँ पर अवश्य रुकना चाहिए वहाँ रुक रहा हूँ, तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अब जहाँ रुकना है हल्का वहाँ रुकेंगे, ऐसे थोड़ा नहीं अवश्य रुकना चाहिए तो ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तीसरे में आप क्या लिख सकते हैं कि पढ़ते समय या पठन करते समय शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और स्वर गति लय तथा प्रवाह का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगला 2017 में क्वेश्चन आया था कि असुंदर या खराब लेखन के दो कारण लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो बालक के बैठने का ढंग उचित ना हो। अब कुछ लोग होते नहीं है लिखते लिखते क्या होते हैं उसी में लेट जाते हैं, तो वैसे अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपका खराब लेखन होगा। दूसरा क्या है, लिखने की कॉपी और आंखों की दूरी उचित ना हो। उचित होना ना हो का मतलब कि नहीं होती है, तो ये कारण में आता है कि खराब जो है वो लेखन होता है। मतलब एक जो मिनिमम डिस्टेंस होती है बताई जाती है 25 सेंटीमीटर तक वो होनी चाहिए, जिससे क्या हो एक सही तरीके से आप लिख सकें। फिर कलम पकड़ने का ढंग ठीक ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे चाकू नहीं पकड़ते हैं किसी के भोके दे रहे हैं तो वैसे पकड़ते हैं कलम, तो वो एक भी रीजन होता है कि आप सही तरीके से कलम पकड़ें। फिर क्या है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग ना किया हो। अब कहीं क्वेश्चन मार्क लगाना हो
यहाँ पर आप कलम पकड़ने का ठीक ढंग ना हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो क्या कोई प्रश्न थोड़ा नहीं पूछा जा रहा है, तो वो भी तो जरूरी है खराब लेखन के कारण, में तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसे याद रखिए थोड़ा सा जोड़ के अपनी डेली लाइफ से, इससे क्या होगा जब आप पेपर में लिखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसे आप सोचते रहेंगे क्या लिखें क्या लिखें। अगला कह रहे हैं पठन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनव अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सब पठन के प्रकार इसमें हो जाएंगे। अगला कह रहा है शब्द किसे कहते हैं, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक विद्यालय। अगला कह रहा है श्रुत लेख क्या है, तो सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख, श्रुत मतलब सुनना, लेख मतलब लिखना। अध्यापक या कोई छात्र बोलते हैं और अन्य छात्र से लिखते हैं, तो सीधता सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा लेख ही वास्तव में श्रुत लेख होता है। अगला है स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थान जो है उसको स्पर्श मात्र करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कि आपका का खा गा घा टा ढा, ये सब आपके हो जाएंगे। अगला है संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों के जो है उनको मिलाकर जो है वो बनाए जाते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। ये शंकर यहाँ गलत लिखा है, ये वाला आपका सही है, ये आपका गलत है। तो जैसे रेल प्लस गाड़ी तो रेलगाड़ी है, नेक प्लस चलन नेक चलन है, वर्ष प्लस घाट वर्ष घाट है। अब जैसे आप रेलगाड़ी में देख रहे हैं तो रेलगाड़ी में जो रेल है वो कैसा शब्द है, वो आपका इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी किसका है हिंदी भाषा का है, तो दो भाषाओं से मिलकर बन रहा है आपका रेलगाड़ी, आप कहेंगे बिल्कुल। नेक चलन में देखिए तो नेक आपका फारसी भाषा का शब्द है, चलन आपका हिंदी भाषा का शब्द है, इससे मिलकर नेक चलन बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल। वर्षघाट को देखिए तो वर्ष आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, घाट आपका हिंदी भाषा का शब्द है, तो उससे वर्षघाट बन रहा है। ऐसे आपका उड़न तस्तरी होता है जिसमें उड़न आपका हिंदी का होता है, तस्तरी आपका फारसी भाषा का शब्द होता है। अगला प्रश्न देखते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं, जैसे कि धनी निर्धन प्रकाश अंधकार या हो जाएंगे। अगला कह रहे हैं कि शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है, तो गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तो शून्य से भाजन कहते हैं, और इस भाजन में यहाँ पर भाजन लिख दिया गया, भाजन होगा आपका भाजन कहते हैं, इस भाजन में भाजक शून्य होता है, सामान्यतः गणित में भाजन अर्थहीन होता है, शून्य से भाजक अपरिभाषित होता है। किसी भी संख्या को अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं ऊपर कोई भी संख्या हो, जैसे कि आप 100 ही मान लीजिए, तो मान इसका इनफाइनाइट आता है, यानी कि अपरिभाषित। अगला प्रश्न वास्तविक मान किसे कहते हैं, तो किसी अंक का मान जो कभी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान कहते हैं, जैसे कि 235 में 2 का वास्तविक मान क्या है, 2 है। स्थानीय मान 200 है, स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी आपकी बाद में संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं, और वास्तविक मान में वही संख्या ही आपकी वास्तविक हो जाती है। अगला कह रहे हैं किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए, कोई संख्या को आप गुणा करके दिखा सकते हैं, 2017-19 दो बार देखिए पूछा गया था, इतना सरल था क्वेश्चन। अगला है संख्या 41,325 और 7,061 की तुलना कीजिए, तो पहली संख्या जो है इसमें अंकों की संख्या 5 है, दूसरे में आपकी 4 है, तो संख्या को यहाँ पर ग्रेटर दिखा दिया कि ये संख्या जो है इससे बड़ी है। इसी प्रकार इसको दूसरे तरीके से अथवा करके भी दिखा दिया कि इसको पहले लिख दिया बाकी बड़ा, तो तब भी वही संख्या वही रहेगी। अगला है 12 पेंसिल है, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिल जो है वो दी गई, कितने बच्चों को पेंसिल मिली। अब टोटल यहाँ पर आप एक्स मान के कर सकते हैं, वैसे अगर आप देखें तो 12 पेंसिल है और प्रत्येक बच्चे को दो दो मिली, दो से आप डिवाइड कर देते तो आपका 2×12 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। करेंगे कैसे, माना बच्चे एक्स, पेंसिल 12, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिल मिली, तो x×2=12, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 6 बच्चों को मिली। अगला है पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखी है, तो इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनि के जो वर्ण होते हैं उनका ज्ञान एक साथ दिया जाता है, जैसे कि राम काम श्याम आम दाम आदि, देख रहे हैं आपकी एक जैसी ध्वनि है, आप कहेंगे बिल्कुल। इस विधि में बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से भी अध्ययन कराना उपयोगी होता है। अगला कह रहे हैं कि व्यंजन वर्णों को लिखिए, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सभी आपके प्रकार होते हैं। 2018 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, 17 के आपके समाप्त हो गए। अगला कह रहे हैं शब्द किसे कहते हैं, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, सरल सा क्वेश्चन है। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, जिस क्रिया में निषेध का ज्ञान होता है, यानी कि निगेटिव हम कहते हैं इंग्लिश में, वही है यहाँ पर, तो निषेध सूचक वाक्य कहते हैं, जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है। अगला अंतस्थ व्यंजन 11 लावा, देखिए दोबारा आया 2019-18 में। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो विपरीत अर्थ प्रकट करें, जैसे कि अधिक का न्यून, असली नकली, अर्थ अनर्थ, आज्ञा अवज्ञा। पर्यायवाची किसे कहते हैं, जिसका पर्याय का अर्थ ही होता है दूसरा, था पर्यायवाची का अर्थ हुआ उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द, जैसे अग्नि का आग होता है, अनल का पावक, मतलब अग्नि का आग अनल पावक होता है, अनुपम का अनोखा होता है, अद्भुत, अनूप, अनन्य, ये सब अनोखा यानी कि अनुपम के होंगे। ये अनुपम जो है इसका यहाँ पर लिखा है, अग्नि का लिखा है, ये सारे इसके हैं और ये सारे इसके हैं। 2018 में अगला प्रश्न, ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत, तो क्या स्रोत है, सबसे मेन तो स्रोत पठन ही है, पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं हैं, इंटरनेट है, पढ़ने से भी ज्ञान अर्जन होता है, ज्ञान वृद्धि भी होती है। अगला देखते हैं प्रश्न, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए, तो अभी मैंने ऊपर बता दिया था, देखिए क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, तो दो अलग अलग भाषाओं से जैसे बनते हैं वो आपके हो जाते हैं संकर शब्द। विराम चिन्हों संबंधी समस्या का प्रमुख कारण लिखिए, तो वो भी आपको पॉइंट वाइज मैंने ऊपर बताए थे, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। विराम चिन्ह होता क्या है, रुकना ठहरना, अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है, अगर बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं सुनने वाले को समझ में ही नहीं आएगा, कई बार अर्थ अनर्थ भी हो जाता है। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। जैसे उदाहरण था, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाएगा जब भी आपको विराम चिन्ह समझाना हो, रोको
मत जाने दो, इसमें यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे इसे, रोको मत जाने दो, मतलब कहने का क्या है, उसे रोको मत जाने दो, यहाँ से ये अर्थ निकल रहा है। अब इस वाक्य में कहीं पर भी विराम नहीं है, जिससे इसके दो अर्थ प्रकट होते हैं, पहला रोको मत जाने दो और दूसरा रोको मत जाने दो। यानी कि आप क्या करेंगे, दोबारा इसको ही लिखेंगे तो रोको मत के बाद कॉमा लगाएंगे, तब आप क्या पर रुकेंगे, रोको मत जाने दो, तो एकदम क्या हो रहा है, अर्थ बदल रहा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कहने का मतलब क्या है, बाकी इनका एक्सप्लेनेशन को ना पढ़िए, ऐसे समझिए मेरी बात को, कि ये सेंटेंस आप लिखिए रोको मत जाने दो, आप इसे कॉमा यहाँ पर पढ़ेंगे जब, कि रोको मत जाने दो, मतलब कोई जा रहा उसे रोको मत जाने दो, और यही आप इस कॉमा को आप क्या करें, मत के बाद लगाएं, यहाँ से हटा दें, तब आप क्या पढ़ेंगे इसे, कि रोको मत उसे जाने दो, यहाँ पर उसे नहीं भी है तब भी अर्थ क्या निकल रहा है, रोको मत जाने दो। तो कहने का मतलब यह कि विराम चिन्ह के बदलने से पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, इसको आप लेकर लिख सकते हैं। अगला है देवनागरी और अंतर्राष्ट्रीय अंक जो है उनको लिखिए, तो इस प्रकार से आप हिंदी की गिनतियां और इस प्रकार से जो है नॉर्मल गिनतियां अंतर्राष्ट्रीय अंक लिख सकते हैं। इनको लिखने को देख लीजिएगा एक बार कि एक ऐसे लिखा है, दो तीन चार पांच, इस प्रकार छह सात आठ, क्योंकि हिंदी की गिनतियां बहुत लोगों को नहीं आती है। आरोही क्रम को लिखिए, तो आरोही क्रम में इस प्रकार से संख्या है, आरोही मतलब क्या होता है, संख्या छोटी से लेकर बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आठ है, फिर नौ है, फिर दस, फिर ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, सोलह, ऐसे आप लिख लेंगे। इनमें पूछा गया संख्याओं की तुलना करना है, तो इसमें यहाँ पर अंतर निकाल दिया गया है, वहां पर बड़े छोटे के आधार पर लिख दिया गया था, तो आप तुलना के आधार पर दोनों में से ही चीज कर सकते हैं या दोनों करके दिखा सकते हैं। अगला कह रहा है अवधारणा या संबोध निर्माण है तो क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, बालकों की समझ उन्हें ठोस मूर्त और अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस और मूर्त वस्तुओं से ज्ञात जो कार्य है वो करते समय बच्चों को कि कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होते हैं, जिससे सीखना आपका आसान हो जाता है। और देखते भी हैं शिक्षण में आपकी विधि भी है मूर्त से अमूर्त की, और सबसे पहले कोई भी चीज आप सिखा रहे हैं तो बच्चे को वो स्पष्ट दिखाइए, उसकी आंखों के सामने लाइए, आप गमला पढ़ा रहे हैं तो गमला उसके सामने लाइए जिससे वो देखे कि क्या होता है गमला, उसके बाद उससे रिलेटेड वो चीजें आप उसको बताइए जो उसके समक्ष नहीं है, तो मूर्त से अमूर्त यही होता है। अगला है 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चे को तीन तीन अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले, 15 से आप 3 डिवाइड कर देंगे तो 5 या 15 यानी 5 बच्चों को अमरूद मिले, वो एक्स मान के वैसे भी कर सकते हैं जैसे ऊपर अभी हमने देखा था। अगला है पठन में रुचि का विकास करने के लिए कोई दो विधि बताइए, तो अक्षर बोध, यहाँ पर 5 विधि लिखी हुई है इनको याद कर लीजिएगा, अक्षर बोध विधि, कविता विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम विधि, वर्णोच्चारण विधि, ये सब क्या है, बच्चे में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट कैसे आप पैदा करेंगे उसकी विधि है। अगला है लेखन के लिए दो दोस्त लिखिए, तो क्या है, अनुस्वार और अनुनासिक, कहीं चंद्रबिंदी की जगह बिंदी लगा देते हैं, कहीं बिंदी की जगह चंद्रबिंदी, मात्रा संबंधी अशुद्धि वर्णों का लोप, कहीं छोटा हो कहीं बड़ा हो, या वर्ण जो है उसको हटा देते हैं वहां पर, लोप मतलब वहां पर लिखते ही नहीं है, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष भी आपको यहाँ 1-2 के बाद 4 लिख दिया, ये 3 होगा ये 4 होगा, और ऐसे सिरोरेखा का सदुपयोग, ऊपर जैसे नहीं जो लाइन खींचते हैं कहीं तिरछी हो जाती है, कुछ लोग लाइन खींचते ही नहीं है, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अगला है स्वर किसे कहते हैं, तो स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती है, स्वर कहलाती हैं। इन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए, तो बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ए, ओ, ओ, ये सब आपके हो जाएंगे, तो कोई 4 लिखने हैं तो आप जिनमें से कोई भी लिख सकते हैं। अगला कह रहे हैं संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये आपका क्या है, ये आपका विराम चिन्ह है। देखिए विराम चिन्ह जो है आपके, अगर बात करें पुस्तक के अनुसार, तो श्री कामता प्रसाद जी ने जो है आपके विराम चिन्ह जो है टोटल 20 बताए थे। वो 20 कौन कौन से होते हैं, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसे हम इसमें आदि चिन्ह कहते हैं, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, और एक छोटा डैश होता है उसे पाद चिन्ह कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, और पाद बिंदु होता है जिसमें आप इस प्रकार से लिखते हैं, और अंश पद होता है कोई चीज छूट जाती है ऊपर इस प्रकार से लिखते हैं, टीका चिन्ह होता है जहाँ पर आप प्लस प्लस करके लिखते हैं, तुल्यता चिन्ह के तौर पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं, समाप्ति सूचक आपका लास्ट में इस प्रकार से लिखते हैं, ये आपको सभी पता होने चाहिए। इसमें से संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह पूछा गया है, तो लाघव चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, जैसे कि आप कृपया प्रश्न उलटिए को प्रा करके छोटा सा गोला बना देते हैं, वही प्रा करके छोटा सा गोला, वो करके छोटा सा गोला, तो उसी को हम कहते हैं लाघव चिन्ह। जैसे डॉक्टर में आप देखते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, इस प्रकार से गोला बना देते हैं। अगला है अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए, तो अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है वर्ण तथा शब्द में एक अंतर, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, शब्दों की उत्पत्ति वर्ण से होती है, निश्चित अर्थ को व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो आसानी से आप डिफरेंस बता सकते हैं, आपको यहीं से समझ में आ रहा है, वर्ण आपका एक टोटल, जैसे अचल लिखा है ये आपका वर्ण है और अचल पूरा आपका जो है वो शब्द है। अगला है 2 सैकड़ा 3 दहाई प्लस 1 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनाएंगे, 2 सैकड़ा मतलब 2×100 और 3 आपका जो दहाई है यानी 3×10 और 1 इकाई यानी कि 1×1, तीनों को जोड़ देंगे 231 बनेगा, 2018 में आया था। 6 का स्थानीय मान, ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था कि 6, 3, 4, 6, 8 संख्या में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इस प्रकार से 8 का तो 8 रहेगा, 6 का 60 जाएगा, इसके बाद जितनी संख्या उतनी 0 लगा देते हैं, इसी प्रकार 3 जो है उसका 300 हो जाएगा, इस प्रकार 6 का 6000 हो जाएगा। इसमें संख्या में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान अलग अलग इस प्रकार से लिखने को कहा गया था, वैसे क्या करते हैं जैसे 2 6 आ रहे होते तो हम उनको दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये आपका 6000 आ रहा है, ये आपका 60 आ रहा है,
60 आ रहा है तो 6060 जोड़कर आपका आ जाएगा। ये भी आप तरीका अपना सकते हैं। अगला कह रहा है 16969 को हिंदी भाषा में लिखिए तो 1,69,679। तो ये भी आपको हिंदी की गिनती आनी चाहिए, आपके कोर्स में है। अगला कह रहा है कि 48 सेब चार बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने सेब मिले। अच्छा, इस टाइप का प्रश्न आपने 2017 में भी देखा, 2018 में भी देखा, 2019 में भी देखा। क्या करना था, जो 48 टोटल सेब है चार चार बच्चों में आप बांटेंगे तो चार से डिवाइड ही तो कर देंगे तो 12 आपका आ जाएगा। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, गलती ना करिएगा। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ जरूर लीजिएगा। लगातार 3 साल में क्वेश्चन पूछा गया है तो 2020 में भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। 2018 के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, 2019 के आपके शुरू हो गए। अब रोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। अब रोही बड़े से छोटा तो ये संख्या दे रहा है, इसमें सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी 8, उससे छोटी 7, उससे छोटी 6, फिर 5, 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला कह रहा है संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण से देखिए तो इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाता है, अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वह संख्या होती है, कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वे अंक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में कोई संख्या लिख सकते हैं। अगला है गणित की संख्याओं में शून्य का महत्व क्या होता है, तो शून्य को लेकर आप लिख सकते हैं, 2019 में लेकर पूछा गया था कि किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य हम लिखते हैं। जैसे यदि संख्या 8012 है तो इस अंकों में आप 812 नहीं लिखते हैं, उसकी जगह 0 लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा की जगह। शून्य का इतिहास क्या है कि यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, परंतु वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक में इसका आविष्कार माना जाता है। शून्य का आकार गोला है, इस टाइप से थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ये भी लिखा है कि शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 30 वर्ष की आयु में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में शून्य की परिभाषा दी थी, r - r = 0। इस प्रकार से शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त जो है उनका योगदान सराहनीय है, शून्य के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग सभी क्रियाओं को अच्छी प्रकार समझाया है। यहाँ पर आप शून्य का जोड़ दिखा सकते हैं, माइनस दिखा सकते हैं, मल्टीप्लाई दिखा सकते हैं, भागफल दिखा सकते हैं, सारी चीजें। और शून्य एक आपकी परिमेय संख्या होती है, इस चीज को भी आप दिखा सकते हैं। अगला, 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। 54 को 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप गुणा तो सभी को आता है, बस आप करके इस प्रकार से दिखा देंगे, और चाहे तो आप इसकी जो क्रिया विधि है उसको भी यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। तो सारी चीजें हमने देख ली जितनी भी आपके कोर्स में थी। अब जो हमने चीजें पढ़ी उसी में से 2 प्रश्न आपके लिए भी वीडियो को समाप्त करने से पहले, जिनका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सभी लिंक फेसबुक के, टेलीग्राम के, और सारी जहाँ जहाँ आप पेपर भेज सकते हैं सारे के लिंक मैंने टेलीग्राम पर भेज दिए थे। जैसे ही आपका कल पेपर हो, पेपर सबसे पहले जो है वो सभी लोग भेज दीजिएगा, और कल के पेपर के लिए सभी को ढेर सारी जो है वो शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा पेपर जो है वो करके आइएगा। अब देखते हैं प्रश्न आपका। तो ये पहला प्रश्न है, 2 प्रश्न हम पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि इसमें ऊपर बिंदी भी लगा देते हैं, जो आ है इसके ऊपर बिंदी लगी हुई है, तो ये अंगा हो गया, अंगा आहा। ये जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, केवल स्वर कहलाते हैं, केवल व्यंजन कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, या अयोगवा। तो आपको बताना है फर्स्ट का ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। तो ये दोनों आपके प्रश्न हैं, तो दोनों का आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।